पंचतंत्र की कहानी के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मोना शर्मा गुप्ता का नमस्कार। आपने अक्सर ये सुना होगा कि अगर हो सके तो दूसरों को अच्छी सलाह देनी चाहिए। यदि कोई गलत मार्ग पर जा रहा हो या गलत कार्य कर रहा हो तो उन्हें टोकें, सही दिशा दिखाएं। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि नेवर गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। यदि आपसे राय ना मांगी जाए तो ना दें। हमारी आज की पंचतंत्र की कहानी में देखते हैं क्या मोड़ लिया जाता है। शीर्षक है मूर्ख को सीख। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तपाने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियाँ गिरी पड़ी हैं। इन्हें इकट्ठा करके हम ढेरी लगा लेते हैं और फिर आग लगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेरी को आग कैसे लगाई जाए। तभी एक बंदर की नजर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ते हुए चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर डेरी के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ 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 हाँ, कहते कहते सभी बंदर उसकी बात में हाँ मिलाने लगे। पेड़ पर बैठी अपने घोंसले में गौरैया ने ये सब देखा, ये सारा तमाशा सुना तो उसे चुप ना रह गया। वह बोली, बंदर भाइयों, ये चिंगारी नहीं है, ये तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया की ओर देखकर बोला, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में बैठी रहो, हमें सिखाओ मत। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो जाता है। जुगनू को ढेरी के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेरी में फूंक मारने। गौरैया ने फिर से सलाह दी, भाइयों आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू से आग नहीं लगेगी। दो पत्थरों को टकराकर उनसे चिंगारी पैदा कर लो और फिर शायद आग लग जाए। बंदरों ने गौरैया को फिर घूरा, आग नहीं लगी तो गौरैया फिर से बोली, भाइयों आप मेरी सलाह मान ही लीजिए, कम से कम दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग ना सुलग पाने के कारण वैसे ही खिंचे बैठे हुए थे। एक बंदर क्रोध से बढ़कर आगे पड़ा और उसने गौरैया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर मारा। गौरैया फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? सैड स्टोरी है ना। सीख ही ले सकते हैं हम इस कहानी से कि मूर्खों को राय देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टा राय देने वाले को ही पछताना पड़ता है, नुकसान हो जाता है। यही दुआ कर सकते हैं कि मूर्खों की संख्या कम होती जाए और समझदार लोगों को हानि ना पहुंचे। अब मैं मोना शर्मा गुप्ता चलती हूँ, फिर जल्द मिलेंगे। नमस्कार।